लोकसभा प्रभारी पूरे पौड़ी लोकसभा के आरणी पुष्कर काला जी, विजय कपड़वाण जी संयोजक, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बहन सविता भंडारी जी, जिला महामंत्री श्री भारत भूषण भट्ट जी, विनोद देवसाली जी, समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष, समस्त प्रतिनिधिगण, समस्त पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, समस्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, समस्त हमारे वरिष्ठ नेतागण, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप राणा जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी जी, अनुसूचित मोर्चा के श्री राजेंद्र लाल जी, समस्त ब्लॉकों से आए हुए समस्त हमारे ब्लॉक प्रमुख, समस्त पूर्व दर्जाधारी भजन गायिका जिनका हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्विटर से ट्वीट किया, संपूर्ण देश के अंदर उनके भजनों को सुना हम सब लोगों ने, बहन सूर्या गायत्री जी, समस्त पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण आए हुए बड़ी संख्या में, आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिनके सशक्तिकरण के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, सभी मेरी माताएं, सभी मेरी बहनें, सभी बेटियां, सभी बुआरी, सभी नौनी एवं हमारे सभी जनता जनार्दन आए हुए बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो मातृशक्ति उत्थान के ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के पूरे प्रदेश के प्रभारी के नाते और गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य रूप से संयोजक श्री सौरभ भैरवार जी, जिलाधिकारी एसपी डॉक्टर विशाखा जी एवं समस्त हमारे अधिकारीगण, सभी लगे हुए कार्मिक, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित सभी माताओं बहनों को और जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर सभी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, प्यारे स्कूल के हमारे बच्चों ने, एनसीसी के कैडेट्स ने, स्काउट गाइड छात्र छात्राओं ने, मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी का जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आज आप सबके बीच में आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बाबा केदार की सभी पावन भूमि जिसे धारी माँ का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी महिमा को अगस्त मुनि, कोटेश्वर महादेव व तुंगनाथ महादेव बढ़ा रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि को मैं सत सत नमन करता हूँ। हमारे मुख्य स्थान उकीवट में श्री ओंकारेश्वर महादेव, श्री त्रिजुगी नारायण जी, श्री कार्तिक स्वामी जी, श्री वासुदेव भगवान जी, श्री माँ त्रिपुरा सुंदरी जी, विश्वनाथ भगवान जी, माँ काली शिला माई आदि आराध्य देवताओं के पवित्र स्मरण के साथ रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन पटिया, रानीगढ़, धनपुर, बचसुणियु, तल्ला, नागपुर पूर्वी एवं पश्चिमी भरदार, लसिया वांगर, सिलगढ़, बड़मा, फुटगढ़, फाटा, गुप्तकाशी, उकीमठ, दसचूला आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे मेरे मातृशक्ति युवा साथी और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग संरक्षक, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों का मैं हृदय से सबका इस नारी शक्ति महोत्सव वह बुआरी नौनी कौथिक में अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग होने के कारण इस भूमि का स्थान उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अति विशिष्ट है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया और मुझे
ऐसी सिद्ध भूमि पर आने का और मातृशक्ति को समर्पित वह वारी नौनी कोथी कार्यक्रम के तहत अनेक अनेक जन कल्याण की विकास की योजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास करने का अवसर मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबा हमारे दोनों ही विधायकों ने, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष ने, हमारे सभी मंचासीन, हमारे जितने भी हमारे दायित्व में काम करने वाले पदाधिकारी हैं, दर्जाधारी हैं, सबने इतना प्रयास किया है। भरत चौधरी जी ने तो दो शब्दों में गागर में सागर भर दिया अनेकों काम, क्योंकि मैं सच बताऊं वो मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि वो कभी भी मेरे पास आते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन 5 मिनट में वो अपने सारे काम पहले से ही करवा के लाते हैं, मुझसे जो है उस पर जो है मोहर लगवा के ले जाते हैं। और हमारी दीदी दूसरी वाली, इन्होंने लंबा चौड़ा तो यहाँ से बोल दिया, लेकिन इन्होंने कितने काम करवा दिए वो कुछ बताया और कुछ बताना भूल भी गई। जब आती है तभी कहती है कि मेरे केदारनाथ में ये कर दो, आज यहाँ व्यापारियों के लिए कर दो, आज यहाँ पर वॉश आउट हो गए उनके लिए कर दीजिए, यहाँ पर आज सड़क बना दीजिए। तो ये दोनों ही लोग लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज 467 करोड़ से भी अधिक लोक कल्याण की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल व सिंचाई की क्षमता के विकास और घेरबाड़ से जुड़ी हुई जनहित कार्यों से जुड़ी हुई योजनाएं, आज जिन योजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, जिन योजनाओं को यहाँ से आज शुरू किया जा रहा है, उनके पूरा होने के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारे इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में विकास का एक नया युग शुरू होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका बाबा केदार पर अपार श्रद्धा है, आप सब जानते हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य, नवनिर्माण का कार्य और आने वाले समय में जल्दी वहाँ पर जो रोपवे का शिलान्यास हो गया है, उसके बनने के बाद अभी यहाँ से शैला दीदी कह रही थी कि 20 लाख यात्री आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यात्रियों की संख्या तो 20 लाख से भी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है, हम सबको उसके लिए तैयार होना है। आपको बताऊँ मैं 2021 में जब मैंने आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो उस दौरान यात्रा बंद पड़ी हुई थी और मैंने माननीय न्यायालय में हम लोगों ने लगातार उसके लिए प्रयास किया, अनुरोध किया कि ये यात्रा हमारी प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा से यहाँ का जनजीवन चलता है, हमारे इस पूरे क्षेत्र की आजीविका चलती है, लोगों का रोजगार होता है। वो बंद हो जाएगी तो लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। माननीय न्यायालय में हमारी उस बात को बाबा केदार के आशीर्वाद से सुना गया और यात्रा कुछ महीनों चली, लास्ट के कुछ महीनों चली, लेकिन अगले साल 2022 में 23 में फिर से जब यात्रा प्रारंभ हुई 22 में, तो आप सबको पता है किस प्रकार से पूरे देश के श्रद्धालु, दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आए। पूरे चार धाम यात्रा की मैं बात करूँ तो 46 लाख लोग 2022 में यहाँ पर यात्रा करने आए, उन्होंने हमारे चार धामों के दर्शन किए, और 2023 में जो 46 लाख 2022 में थी, 2023 में वो 56 लाख पहुँच गई, और आने वाले समय में ये यात्रा और कहीं बड़ी होने वाली है। हम सबको तैयार होना है, पूरे उत्तराखंड को तैयार होना है, रुद्रप्रयाग को तैयार होना है, अगस्त मुनि को तैयार होना है, बाबा केदार के प्रांगण को तैयार करना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, पूरे उत्तराखंड का विकास उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है और हमारा ये जनपद भी अछूता नहीं है। हमारा प्रयास है कि रुद्रप्रयाग जिले का सर्वांगीण विकास हो और यह क्षेत्र विकास के उन्नति के शिखर को छुए। माताओं बहनों के आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल, उनके द्वारा जो
एक से एक अच्छे उत्पाद यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में, चाहे वो प्रसाद बनाने के क्षेत्र में, चाहे कोई अन्य उत्पाद बनाने के क्षेत्र में है। जिस प्रकार के उनके उत्पाद हैं उसको देखकर मैं सच बताऊं, जो मैं सोचता हूं, जिसके कारण से हमने ये मातृशक्ति का, ये बेटी द्वारी नौनी कौथिक ये हमने शुरू किया है, उसके पीछे का हेतु यही है कि हमारी माताओं बहनों को आगे आना है। और मैं, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी माताएं बहनें अपने प्रयासों से अब आगे आ रही हैं। आज के उनके प्रदर्शित स्टालों को देखकर मैं कह सकता हूं, और मैं यह भी कह सकता हूं कि आप लोग सही अर्थों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, उसको चरितार्थ करने का काम हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के बिना सहयोग के, मातृशक्ति के किसी सम्मिलन के बिना किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारी माताएं बहनें यदि अपने हाथ में लेखनी ले लें तो उसमें भी वो इतिहास रच सकती हैं। वेदों की ऋचाएं तक रख दें और तलवार ले लें तो वो धरा के, धरती के मानचित्र को बदल सकती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जिस स्थान पर नारी की पूजा की जाती है वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। यही कारण है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दें। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, आज कोई क्षेत्र उठा के ले लीजिए, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अभी आप देख रहे होंगे चंद्रयान 3 का जबल सफल प्रक्षेपण, जब चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर पहुंचा था तो उसमें हमारी नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो कोई क्षेत्र आज उनसे अछूता नहीं है, जो पुरुषों से कम हो हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर जगह आज हमारी मातृशक्ति ने अपने आप को साबित किया है। उन्होंने प्रूव किया है कि उनके अंदर आगे बढ़ने का हर प्रकार की प्रतिभा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के दुर्गम गांव-गांव में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आज गति प्रदान कर रही है, जहां वो अपना रोजगार कर रही है, अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। महिलाओं के पास कभी कोई कौशल की कमी नहीं रही है, और अब यही कौशल उनके और उनके परिवारों को, उनकी आजीविका को, उनकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसको आगे लाने का काम कर रहा है। नारी सशक्तिकरण, मातृशक्ति सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप ही बताइए कि पहले महिलाओं के, खासकर जो हमारी गरीब मातृशक्ति थी, गरीब माताएं बहनें थी, उनके बैंक में खाते थे क्या? पहले नहीं होते थे ना, पहले बैंक में खाते होते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने से पहले बैंकों में खाते नहीं होते थे, इस कारण वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी, बहुत सारे काम नहीं कर सकती। डीबीटी का जो पैसा आना सीधे सीधे उनके खाते में हुआ, पहले वो कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाया करता था, उनके हक मार दिए जाते थे। हमारी बहनों की जो एक परेशानी थी, इस परेशानी को अगर किसी ने समझा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उनके नेतृत्व में, यानी कि 2014 से लेकर अब तक 23 करोड़ महिलाओं को जनधन खातों के जरिए बैंकों से जोड़ने का काम हुआ है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके सशक्तिकरण का काम किया है, और लगातार मातृशक्ति भी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने जो भी काम अपने हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, और परिश्रम और मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो, उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि उसका भविष्य भी
सुरक्षित हो जाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र दिया, उस मंत्र को पूरे उत्तराखंड की भांति यहाँ की बहनों ने भी आत्मसात किया है। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, वो नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आज गांव-गांव में हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय, बिजली गैस कनेक्शन, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं अनेक योजनाओं के माध्यम से आज हमारी मातृशक्ति के उत्थान का काम हो रहा है, उनको सुविधा और सहायता पहुंचाने का काम हो रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज देश भर में जो स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने का काम प्रारंभ हुआ, हमारी मातृशक्ति महिलाएं उससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, अपने सशक्तिकरण का काम कर रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारे महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारी माताएं बहनें जिन उत्पादों को बना रही हैं, जिन उत्पादों का वो निर्माण कर रही हैं, वो उत्पाद कई बार बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे करने का काम कर रही है, यानी कि उनको भी फेल करने का काम कर रही है। मैं अपनी मातृशक्ति का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो इस परिश्रम से, इतनी सादगी से, इतने प्रयासों से वो काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भी अपने प्रदेश में जो हमारी महिला शक्ति है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक लाकर मातृशक्ति के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, जो भूतों ने भविष्य की देश के आजाद भारत के इतिहास में, हमने भी उससे पहले हमारे भरत चौधरी जी हैं, दीदी शैला रानी रावत जी हैं, विधानसभा में है मेरे साथ, हम लोगों ने विधानसभा के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण विधेयक लाकर सुनिश्चित कर दिया कि उत्तराखंड की मातृशक्ति को हर क्षेत्र में नौकरियों में 30% का आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गौरा मातृ वंदना योजना और महिला पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को महंगा गैस न खरीदना पड़े, इसके लिए हमने वर्ष में 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क रिफिल करने की योजना भी प्रदेश में लागू की है और 1,82,000 परिवारों को हम 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी शुल्क के देने का काम कर रहे हैं। मैंने जब से आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, ये दायित्व संभाला है, मेरा ये प्रयास रहा है कि प्रदेश की जनता के हितों के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं बिना देरी के उठाए जाए, बिना रुके उठाए जाए, बिना किसी हिचक के उठाए जाए, बिना किसी शंका और संदेह के उठाए जाए, क्योंकि मुझे पता है कि हम सच्ची नियत से, अच्छी नियत से, साफ नियत से इन कदमों को उठा रहे हैं और जो भी कदम उठा रहे हैं वो प्रदेश की जनता के हित में उठा रहे हैं, हमारे प्रदेश की जनता को आगे लाने के लिए उठा रहे हैं। हमने जहां एक और प्रदेश के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, आप सबको पता है हमारे बच्चों को कितनी परेशानियां होती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नकल के कारण से पीछे हो जाना पड़ता था, हमने नकल का अध्यादेश लागू किया। वहीं धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने सख्त कानून बनाया, क्योंकि देवभूमि के अंदर धर्मांतरण महापाप है और ये पाप कई वर्षों से चल रहा था, इसको रोकने का भी काम किया। प्रदेश में पहली बार जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड है
आप सब लोग भी कहीं जाते होंगे, दुनिया के अंदर जाए आप देश के अंदर कहीं जाए, आप जैसे ही कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, हम देवभूमि के रहने वाले, तो आपके प्रति देखने का नजरिया बदल जाएगा, लोगों का आपके प्रति भाव एक श्रद्धा का हो जाएगा। इसलिए इसका जो मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप भी बनना चाहिए, मूल स्वरूप भी बचा रहना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए भी प्रयास किया, और जो अतिक्रमण था लैंड जिहाद के नाम से, 5000 एकड़ से भी अधिक भूमि को हमने इस लैंड जिहाद से और अतिक्रमण से मुक्त करवाने का काम भी किया है, इसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे हैं। अब हम उत्तराखंड में, जैसे आप सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी अभी एक ऐतिहासिक काम हुआ, भगवान सूर्यनारायण उत्तरायण में आ गए, और भगवान सूर्यनारायण के उत्तरायण में आने पर कहीं उत्तरायणी होती है, कहीं लोहड़ी होती है, कहीं मकर संक्रांति होती है, कहीं पोंगल होता है, कहीं बिहू होता है, कहीं माघी होती है, अलग अलग नाम से ये उत्सव पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ मनाया जाता है। और उनके उत्तरायण में आने के बाद मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, यानी कि अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ 500 सालों से भी अधिक प्रतीक्षा के बाद कलयुग के 5126 वर्ष हो गए, कितने हो गए भाई, कितने हो गए कलयुग के 5126 वर्ष, राजेंद्र जी कितने हो गए, उससे पहले द्वापर और द्वापर से पहले त्रेता, त्रेता में भगवान राम पैदा हुए, और उस समय के लोगों को भगवान राम के राम राज्य को देखने का अवसर मिला, भगवान राम को देखने का अवसर मिला, और अब वही राम राज्य, वही राम की तरह शासन, और वही भगवान राम का युग हम सबको भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों से, उनके प्रयत्नों से इतने लंबे कालखंड के बाद देखने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिष्ठा हो गई, और ये ऐसा काम जिसके लिए हम सब लोग गली गली में घूम घूम के हमारी माताएं बहनें हमारे बच्चे नारा लगाते थे, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और भगवान राम लला का वहां मंदिर बन गया, और भगवान राम लला वहां विराजमान भी हो गए। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से देश के अंदर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू हो पूरे देश की मांग रही है। और जब संविधान बन रहा था उस समय भी संविधान निर्माताओं ने इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन कुछ अवरोधों के कारण से वो उस समय नहीं बन पाया। हमने इस आम चुनाव में, जिसमें आप सब लोगों ने हम लोगों को दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया, उत्तराखंड के इतिहास में एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी तोड़कर लगातार एक पार्टी की सरकार दोबारा लाने का काम आपने किया, और हमने ये संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर, जहाँ बाबा केदार है, बाबा बद्री विशाल है, गंगा माई है, यमुना जी का उद्गम है, अनेकों हमारे देवी देव स्थान है, दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। भाइयों बहनों, हर उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना के अंदर काम करता है, कोई अर्धसैनिक बलों में काम करता है। हमने ये संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है, और ड्राफ्ट मिलते ही हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की भी तैयारी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन हम सबको मिलता रहेगा, हमारी सरकार को भी मिलेगा, हमारे सब लोगों को मिलता रहेगा निरंतरता से, और हम जो विकास के काम हैं वो लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों देहरादून में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था भाइयों बहनों, और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जिसमें हमने लक्ष्य रखा था
कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का हम निवेशकों के साथ करार करेंगे। मुझे आप सबको बताते हुए इस पवित्र भूमि से खुशी हो रही है कि वो निवेश का जो निवेशकों के साथ करार का जो हमारा लक्ष्य था उसको तो निवेशक सम्मेलन होने से पहले ही वो क्रॉस कर गया। 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो है हमारे साथ निवेशकों का करार हो गया। भाई बहनों, अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था, बाबा केदार की कृपा से ये हमको मिला है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर लोग आना चाहते हैं। आज हमने कहा है कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा जो लैंड माफिया भी इकट्ठा हो रहा था, उस लैंड माफिया को रोकने के लिए भी हमने जो केवल और केवल कृषि के प्रयोजन के लिए भी पिछले कई वर्षों से अनेक लोगों ने बाहर से आकर जिनको किसी उपयोगिता की आवश्यकता नहीं है भूमि का, एक बैंक बनाने का काम किया है। हमने कहा है हम कृषि योग्य भूमि पर रोक लगाते हैं, लेकिन अगर किसी प्रायोजन के लिए, किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कोई होटल बनाना चाहता है, कोई रिजॉर्ट बनाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई अन्य प्रकार का कोई उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए हमने कोई रोक लगाई नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा, हमने जो प्राथमिकता दी है ऐसे सेक्टर को प्राथमिकता देंगे, ऐसे निवेशकों को हम प्राथमिकता देने वाले हैं, उद्योग लगाने वाले भी उन लोगों को हम समस्त प्रकार की सुविधाएं केवल उनको इस आधार पर देने वाले हैं कि वो सबसे पहले हमारे यहाँ पर अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन करेंगे, अधिक से अधिक हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के लिए रोजगार का काम करेंगे, अधिक रोजगार देने वाले को हम अधिक सुविधाएं देने का भी काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जब माणा वो आए थे तो माणा में उन्होंने हमारी माणा की बहनों के बीच में गए थे, वो जो स्वयं सहायता समूह का वहां पर बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनके बीच में से आने के बाद उन्होंने बद्रीनाथ जी के माणा गांव से उन्होंने मंच से अपील की थी पूरे देशवासियों से कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हमें अपनाना है। और जो भी लोग धार्मिक यात्रा पर आए हैं या उत्तराखंड की यात्रा पर आए, देश के किसी भी क्षेत्र में जाए, 5% जो है स्थानीय उत्पादों को खरीदें, उन्होंने अधिकार पूर्वक देशवासियों से कहा था। और इस बार जब वो देहरादून आए थे तो देहरादून से उन्होंने एक अपील करी थी देशवासियों से कि आज एक चलन देश के अंदर बहुत तेजी से चल रहा था कि जो बड़े बड़े लोग थे वो विदेशों में जाकर अपने बेटियों का, अपने बेटों का, अपने घर के बच्चों का मंगल कार्य यानी विवाह के कार्यक्रम विदेशों में जाकर कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने जानते हैं क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा कि आपको अब विदेश नहीं जाना है, अब देश के अंदर ही जो है अपने बेटों का, बेटियों का जो ये मंगल कार्य है यही संपन्न करवाना है, और उसके लिए जो सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है वो हमारा उत्तराखंड है, हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ पर पहले से ही जहाँ त्रिजुगी नारायण जैसे बहुत बैठक